हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा। वेलकम टू अपर्णाज किचन। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेड के मेदू बड़ा। तो जब भी हमें बड़ा खाने का मन होता है तो, या फिर दाल भिगो उसको पीसो, तो ये सब कोई भी झंझट नहीं है। तो जब भी बड़ा खाने का मन हो तो आप ब्रेड से भी मेदू बड़ा बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे, तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही चटपटे। आप इन्हें चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं या दही बड़े की जैसे ही इनको आप खा सकते हैं। दही, मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, तो आप इनको दही बड़े जैसे भी खा सकते हैं और नहीं तो आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर का बटन है उसको क्लिक कीजिए, फिर बेल को क्लिक कीजिए। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो अब मैं आपसे ये ग्रीन चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ब्रेड के मेदू बड़ा, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो ये वाइट ब्रेड है, तो इसके किनारी को आप निकाल दीजिए या फिर नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। मैंने नहीं निकाले हैं, तो अब मैं इन्हें रफली तोड़ लेती हूँ इस तरह से। तो कभी भी हमारे घर में ब्रेड बच जाती हैं तो उन्हें भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इससे ब्रेड ख़राब भी नहीं होती है और यूज़ भी हो जाती है और बहुत ही अच्छे बनते हैं इससे बड़े, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो दाल भी भिगोने का झंझट नहीं, भिगोइए फिर पीसिए तो बनाइए, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो इस तरह बनाएंगे ब्रेड के मेदू बड़ा, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए मैंने सारे ब्रेड को इस तरह क्रम्बल कर लिया है। तो आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सी से पीस सकते हैं, तो मैंने नहीं पीसा है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे भी बन जाते हैं। तो अब मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें दही मिक्स करूंगी। तो दही ये खट्टा नहीं है, तो आप भी खट्टा दही ना यहाँ पे यूज़ करें। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिए। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 छोटे साइज का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर से, तो इसे मैं इसमें ऐड करूंगी। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो आप चाहें तो इसको इसमें यूज़ करिए, नहीं तो नहीं। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 ग्रीन चिली इसमें डाल रही हूँ, हरा धनिया, और आप चाहें तो ग्रीन चिली की जगह आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं 3 से 4 टेबल स्पून इसमें सूजी ऐड करूंगी। तो अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो ये थोड़ा सा बैटर जैसा होना चाहिए, थिक, जैसे हम लोग बड़ा बनाते हैं उस टाइप का बैटर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे स्पून से तोड़ती हुई इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से लम्स हैं, तो लम्स नहीं हों, एकदम स्मूथ बैटर बनना चाहिए। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो इसमें टोटल 1 कप पानी लगा है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें 1 पिंच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और 1/4 चम्मच चाट मसाला, तो इससे बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा हमारा बड़ा। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप दोनों चीज़ों को ही स्किप कर सकते हैं। मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं अब, तो मैंने थोड़ा जल्दी बनाना शुरू कर दिया था, बट आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़िएगा तो बहुत ही अच्छे बनेंगे मेदू बड़ा फूले फूले, क्योंकि जो मैंने इसमें सूजी ऐड की है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो अब मैंने इसमें पानी ले लिया है कटोरी में, तो पानी मैंने हाथों में लगा लिया है। तो 1 टेबल स्पून के करीब बैटर लेंगे और हाथों पे इस तरह रखेंगे और उसे गोलाकार देंगे इस तरह से, और बीच में एक होल बनाएंगे इस तरह से। और अब देखिए मेरा मेदू बड़ा रेडी हो गया है एक। तो अब मैं इसे गर्म तेल में छोड़ दूंगी और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, और बड़ा आपको जैसे बनाने हैं छोटे बड़े आप वैसे बना सकते हैं, तो इस तरह आप हाथों से भी बना सकते हैं
और अब मैं दूसरा आपको तरीका बताती हूँ। एक कटोरी ले ली है, ऊपर से मैंने एक हैंकी ले लिया है या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। इस तरह इसको नीचे से पकड़ लीजिए ऊपर से डाल के, और फिर इस पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला कर लीजिए। अब इस पर एक स्पून बैटर रखूँगी और इसको गोल करूँगी इस तरह से, बीच में एक होल करूँगी और इस तरह दूसरे हाथ पे इसको पलट दूँगी इस तरह से। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने दो बना लिए हैं, तो इस तरह मैं और भी बना लेती हूँ। तो हर बार आपको पानी लगाना पड़ेगा कपड़े पे, तो इससे चिपकेगा भी नहीं, तो फटाफट ऐसे बन जाते हैं और चिपकता भी नहीं है। तो इस तरह छोटे बड़े जैसे भी आपको अच्छे लगे वैसे आप बना लीजिए। देखिए बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। 3 से 4 मेदू बड़ा मैंने बना के ऑयल में डाल दिए हैं, तो ये फ्राई हो रहे हैं। अब जब हम लोग पहला बैच फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा चिपकता जरूर है फ्राई पैन में या फिर कढ़ाई में, क्योंकि एल्युमिनियम का है ये फ्राई पैन, तो अगर नॉन स्टिक होगा तो नहीं चिपकेगा। बट जब हम लोग दूसरा बैच फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है पहले बैच में। तो देखिए मैंने अलट पलट के ये फ्राई कर लिए हैं, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, ये अंदर से सॉफ्ट हैं ऊपर से क्रिस्पी। तो अब मैं दूसरे भी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो अगर आप इस तरह कपड़े पे बना रहे हैं तो हर बार आपको पानी लगाना पड़ेगा, पानी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप ये मेदू बड़ा जिसे भी खिलाएंगे तो वो ये नहीं बताएगा ये ब्रेड से बने हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन मेदू बड़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं इंस्टेंट। अगर आपका अभी खाने का मन है तो इन्हें आप अभी 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। बट दाल का ये होता है कि ना कि दाल पहले भिगोइए आप, जब वो भीगे तो उसे पीसिए फिर फेंटिए तब वो बड़े बनते हैं, तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आपका जब भी खाने का मन हो तो आप इस तरह इनको बनाइए और खाइए। तो आप इनको दही के साथ या फिर इन्हें ऐसे ही खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं एज ए स्नैक्स। तो इन्हें कैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, तो बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं ये। तो देखिए मैंने ये बना लिए हैं और मैं फटाफट जो मेरा बैटर बचा हुआ है तो उसके भी बना लेती हूँ। तो ये 6 ब्रेड के स्लाइसेस थे, उसमें बहुत सारे बने हैं ये। तो देखिए ये मेदू बड़ा भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ये मेदू बड़ा सर्व करूँगी ग्रीन चटनी के साथ। तो चटनी में बनाऊँगी, चटनी के लिए मैंने धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने उसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो अब मैं इसमें एक ग्रीन चिली ऐड करूँगी और एक पिंच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार और 1 टीस्पून दही। दही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चटनी में और कलर भी बहुत प्यारा आता है चटनी का। 1 ड्राई रेड चिली, तो इससे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनेगी हमारी चटनी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच और थोड़ा सा अदरक। तो देखिए अब मैं इसे चर्न कर लूँगी। तो हमारी चटनी रेडी हो गई है, अब बहुत ही टेंगी स्पाइसी, कलर बहुत ही प्यारा आया चटनी का। तो अब मैं ये सर्व करूँगी मेदू बड़ा। तो देखिए आप इन्हें इंजॉय करिए में या फिर इवनिंग में, टी टाइम या फिर कभी भी आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। तो इन्हें आप इंजॉय करिए ग्रीन चटनी के साथ या दही ग्रीन चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ। तो आप इन्हें कैसे भी खा सकते हैं, आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं फ्रेंड्स। तो आप इन्हें मॉर्निंग में, इवनिंग में या कभी भी इन्हें खा सकते हैं बना के एज ए स्नैक्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार आप इस तरह इनको बनाइए फिर देखिए कितने ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो प्लीज़ बनाइए और खाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर का बटन है उसको क्लिक कीजिए, फिर बेल को क्लिक कीजिए, तो इसे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।